फ्रेंड्स बिहार पॉलिटेक्निक वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जिनका जिनका फ्रेंड्स इस तरह का आ गया है सॉरी यू हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट इन करंट राउंड, उनको अब क्या करना है। जिनको इस तरह का आ गया है इसका मतलब क्या फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, और आगे आपको क्या करना है ये भी फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स इसका हिंदी ये होता है कि मतलब जो है यू हैव नॉट अलॉटेड, मतलब आपको कोई भी सीट जो है अलॉट नहीं किया गया है, आपके लिए कोई भी सीट नहीं है इन करंट राउंड, जो अभी राउंड आया है इस राउंड में आपके लिए कोई भी सीट नहीं है। तो फ्रेंड्स करना क्या है आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि कैसे देखना है आपको, ये थोड़ा सा बताते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा बताते हैं आपको ये। तो फ्रेंड्स ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद इधर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है फ्रेंड्स, इस पर आपको क्लिक करके, इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप जो है अपना सीट अलॉटमेंट जो है चेक कर सकते हैं कि आपका जो है एडमिशन होगा या नहीं होगा, मतलब आपका जो है नाम आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वैसे बच्चों को करना क्या है, देखिए मैं बता दूँ सबसे पहले फ्रेंड्स कि आपको करना कुछ नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ करना यह है कि अगला राउंड का आपको वेट करना है, ठीक है, अगला राउंड का। जी हाँ फ्रेंड्स, अगला राउंड का आपको इंतजार करना है। बहुत ज्यादा चांस है फ्रेंड्स कि आपको जो है अगला राउंड पे मिल जाएगा जरूर किसी न किसी कॉलेज में, ठीक है। और आप बताएगा फ्रेंड्स कि आपका कितना रैंक है तब आपको मिला है, ठीक है फ्रेंड्स, और या नहीं मिला है कितना रैंक पे, तो आपके लिए हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।